अगर हम लोग पूछ पूछ के जा रहे हैं सब घर पे, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं है रास्ते। इतने सालों बाद आए, हम लोग इतने सालों बाद आए हैं कि हम लोग को याद ही नहीं है। अभी पूछ पूछ के जा रहे हैं सबको, दो रॉन्ग टर्न ले चुके हैं। अभी अभी तीसरे रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं अभी वो राइट होता है या नहीं होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशाल और अभी बज रहे सुबह के 8:30 और अभी हम लोग बैठे हैं मुरुड बस स्टॉप पे। यहाँ से है ना हमारी 9 बजे की बस है डापोली के लिए। पूरी फैमिली है मेरे साथ, मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, मेरे काका वगैरह है और मेरी सिस्टर्स है। तो हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे हमारी अज्जी के घर पर। डापोली में जाने के बाद हम लोग को वहाँ से वापस बस चेंज करनी है, तो फिर देखते हैं वहाँ से अभी कितना टाइम लगेगा हम लोग को। और जिन लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो लोग एपिसोड 1 ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग एपिसोड 1 देख के आइए, हम लोग हमारी बस का वेट करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए दापोली बस स्टॉप। अभी यहाँ से हम लोग को बस देखते हैं। अभी यहाँ से अपन पूछते हैं अपनी तामड़ी कोट के लिए गाड़ी कितने बजे। तामड़ी कोटला गाड़ी किती थी? तामड़ी कोट आत्ताच गेली काका, आता 11:15 मुगीच। 11:15 आत्ताच गेली मुगीच करून बोलला तो ती गाडी आहे ना। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हमारे स्टॉप पे। 12 बज गए हम लोग को यहाँ पे आने के लिए। हमारी एक बस छूट गई थी तो उसके बाद दूसरी बस मिली हम लोग को 11:15 बजे। अभी यहाँ से हम लोग घर ढूंढने गए, घर हम लोग को पता नहीं है कहाँ पर है, तो वही चालू है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। घरापासून बावडी जवळ आहे वाटतं तिला। अभी हम लोग पहुंच जाते आगे, कंडक्टर को हमने बोला था कि हमारा स्टॉप आएगा तो बताना, बट कंडक्टर भी सो गया था, हम लोग भी सो गए थे। अब बस हमारे स्टॉप पे रुकी और फिर हम लोग को पता चला कि हमारा स्टॉप है। जस्ट नज़र गई हमारी वहाँ पे तो पता चला कि हम लोग का स्टॉप आ गया, वरना आज हम लोग आगे निकल जाते। आगे निकल जाते ना फिर और प्रॉब्लम हो जाता है। अभी घर ढूंढने का प्रोसेस चालू है यहाँ पे। टोपी वगैरह आन ली नहीं क्या तुम्ही लोग? तो अभी पता चला है यहाँ पर जाना है, फिर वापस रिटर्न।
रास्ता जो है सिर्फ मेरी मम्मी को पता है और किसी को पता नहीं है। इथून नाही मावशी, कुठून आलो आपण? इथं ना इथूनच आपण नीचे पीछे जाएंगे। अगर हम लोग पूछ पूछ के जा रहे हैं सब घर पे, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं है रास्ते। इतने सालों बाद आए ना कि हम लोग को याद ही नहीं है। अभी पूछ पूछ के जा रहे हैं सबको, दो रॉन्ग टर्न ले चुके हैं। अभी तीसरे रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं अभी वो राइट होता है या नहीं होता है। हम लोग जहाँ है ना वहाँ के मुकाबले यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस एक ही हिंट मिला हुआ है कि यहाँ पे कोई एक वीर है, उसके पास जाना है हम लोग को, वहाँ से हम लोग को घर मालूम पड़ेगा। तो अभी हम लोग वो जो कुआ है वो ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग। कुआ ढूंढने के बाद घर का पता चलेगा। सबसे आगे मेरी मम्मी है, लीड कर रही है क्योंकि उसको पता है। अरे मी बोलला टाइम असे नाही, अजून मी पण झोपतो। लवकर आला म्हणजे सांगू कोट हाय बोलली ना बावडी, तिकडं ती बाई बोलली ना बावडी हाय। दोस्तों अभी भी खोज चालू है, शायद मिल गया। ते बघा तिकडे एक आहे, ती एक आहे बावडी। ते बघा लेफ्ट राईट मध्ये मैदान में वो देखो वहां पे एक वहां पे एक हम लोग को मिला है कुआ। ते काय लेफ्ट मध्ये राईट मध्ये ते बघा अरे ते बघा ना बावडी तिकडे तीच बावडी आहे की नाही बघायला घेण आता। घर ढूंढने का प्रोसेस अभी भी चालू ही है। ये देखो ये है वो वेल कुआ। ये हम लोग के पास एक हिंट है बस घर ढूंढने के लिए। ये कुएं के पास में ही घर है। ये कुआ ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी घर ढूंढने गए। मिल गया दोस्तों, फाइनली घर मिल गया।
फाइनली ने रॉन्ग टर्न लेने के बाद घर मिल गया हम लोग। ये लग रहा है, ये आज सहारा है। यस फाइनली दोस्तों घर मिल गए। कशी आहे तब्येत तुमची? बस आमची बेस आहे। बेस आहे ना हो बेस। आका मी पण मला पण बघायचं। अरे याच्यात पाणी भरपूर आहे, आई तर केली अंग करायचं। फिश पण आहे त्याच्यामध्ये। पाणी लय घाण झालंय। तो अभी हम लोग वापस आ गए बस स्टॉप पे। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डाकोली। दोस्तों ये है डाकोली का मार्केट। अभी हम लोग भी मार्केट एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम लोग को यहाँ पे फ़ैन देखना है। हम लोग का जो सीलिंग है फ़ैन है घर पे, वो कल रात में ख़राब हो गया था, तो रात भर हम लोग सोए भी नहीं है क्योंकि लाइट भी नहीं था और फ़ैन भी ख़राब था, तो गर्मी में नींद नहीं आ रहा था। अभी सबसे पहले जो है ना यहाँ पे फ़ैन देखते हैं अपन, और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर घर पे निकलते हैं। मिल गए दोस्तों एक दुकान, देखते हैं अभी यहाँ पे फ़ैन कितने में मिलता है। तो भाई लोग अभी अपन वापस से आ गए एसटी डेपो में। अभी यहाँ से हम लोग की बस है, तो बस देखनी पड़ी अभी कितने बजे की बस मिलती है हम लोग को, या फिर वेट करना पड़ता है यहाँ पर भी फिर से। चलो देखते हैं बस। ये
तो पूरा काम चालू है। इसलिए बैक साइड में बसेस आती है। पुलिस स्टेशन बस स्टेशन मुंबई पनवेल है कौन? ये देखो, ये वो बैक साइड का एरिया है जहाँ पे सारी बसेस आती है। जब तक वहाँ पे काम हो नहीं जाता तब तक यहीं से बसेस पकड़नी है। और भाई भीड़ देखो, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से कोई बस ही नहीं आई है, इतनी भीड़ है। देखते थोड़ी देर में भी अपनी बस कभी आती है। तो दोस्तों अभी हमारी बस तो है नहीं, 4:15 की बस है अभी हम लोग को डायरेक्ट। तो अभी हम लोग सोच रहे अभी क्या करें, और डेपो से बाहर निकले अभी हम, यहाँ पे कोई टमटम वगैरह मिलती है कि नहीं वो देखते हैं, या कोई शेयरिंग रिक्शा वगैरह या कोई मैजिक वगैरह जो होती है यहाँ पे वो देखते हैं, क्योंकि 4:15 तक यहाँ पे रुकना वेस्ट है एकदम। देखते अगर नहीं मिला कुछ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वेट करना ही पड़ेगा। यही वो जगह है जहाँ पे रिक्शा लगती है। चलो तो चालू है, एक 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 टमटम ढूंढ ढूंढ के हम लोग उनके पास जा रहे हैं। वहाँ पे एक दिख रहा है हम लोग, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। वाड्यावरचं मंदिर आहे, मुलगी आहे उपवरती, असं फुलावर सोडी तिकडनं रिक्षा करा दुसरी एवढं जाऊ नाशिक करून लहान पोरं आहे। खैऱ्यावर तिथं मंदिर आहे ना? हा म्हणजे ते वाड्यागोवाचं मंदिर आहे ना तिकडे। किती होईल? किती जर दोन लहान पोरं आहे आणि आम्ही 4 जण, आम्ही 5 जण। ते तुम्ही दुर्गादेवीच्या वरती गेलं ना, वरती जा कर्जेला पण राहिलं आहे, कर्जेच्या पहिलं फाइनली रिक्शा ढूंढने का जो काम था वो ख़त्म हो गया। हम लोग को एक रिक्शा मिल गई है, तो मेरे पीछे जो रिक्शा यही रिक्शा है, ये रिक्शा हम लोग को हमारे घर तक छोड़ देगी। इसका ये 300 रुपया चार्ज करने वाला है। तो अभी एक बार मम्मी और काका वगैरह सब आ जाने, फिर हम लोग ये रिक्शा पकड़ के निकलते हैं। दोस्तों अभी 3:30 बज गए और अभी हम लोग पहुँच गए घर पर वापस से। तो पहले जाते हैं घर पर, फ्रेश होता हूँ मैं, कुछ खाना वगैरह खाता हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, जो नाश्ता किया था बस उसी पर था। उसका रीज़न ये है कि मैं बस में ट्रैवल करते वक्त कुछ खाता नहीं हूँ, वॉमिट हो जाती है, मुझे हैबिट नहीं है ना बस में ट्रैवल करने की, इसलिए सुबह जो नाश्ता किया था उसी पे था अभी तक मैं। तो अभी पहले घर पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते काय झालं रिया? काय शोधते? अरे बघ इथे सुलीवर लटका दिया तुझ्या बाबूला, सुलीवर लटकवला ना।